एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ NYB की न्यू लॉन्चेस हाइलाइटर का रिव्यू। यस, सो मैंने यहाँ पे दो हाइलाइटर लिया हुआ है NYB का, जिनका रिव्यू मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दो हाइलाइटर्स हैं एंड ये NYB की न्यू लॉन्चेस हाइलाइटर है एंड मैंने शेड नंबर 1 और 2 दोनों ही मंगा लिया है। इससे पहले मैंने आपके साथ NYB की न्यू लॉन्चेस ब्लश का रिव्यू शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक आपको शो हो रहा होगा, आप इसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बात करते हैं इस हाइलाइटर की। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने दो शेड मंगाए हुए हैं। सो फर्स्ट शेड है वो है सिल्वर स्टेरी सिल्वर एंड जो सेकेंड है वो है ग्लो गोल्ड। एंड दोनों ही शेड काफी ज्यादा अच्छे हैं। प्लस इन दोनों शेड की सबसे अच्छी बात है ना कि ये दोनों फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। जो फर्स्ट शेड है ये फेयर स्किन टोन वालों के लिए काफी अच्छा है एंड जो सेकेंड है ना ग्लो गोल्ड, ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड जो फेयर स्किन टोन है उनके पे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड अभी आप देख सकते हो ये मैंने सेकेंड वाला हाइलाइटर ही फेस पे अप्लाई किया हुआ है, ग्लो गोल्ड वाला, एंड काफी अच्छी शाइन देता है आप देख सकते हो। और बहुत ही कम प्रोडक्ट मैंने पिक किया हुआ था, उसमें आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो मैं आपको फटाफट से उसकी आउटर पैकेजिंग बता देती हूँ। तो आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हो कार्डबोर्ड की है एंड पीछे आपको प्राइस मेंशन है जो कि है 275 एंड मैंने परचेस किया हुआ था 195 में। तो काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था वहां पे। एंड जो सेल्फ लाइफ आपको इसकी मिलेगी ना वो मिल जाएगी 3 साल की, तो 3 साल तक आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लेम भी किया हुआ है, फर्स्ट अल्ट्रा सिमर फिनिश एंड सेकेंड लाइट वेट, या लाइट वेट तो है बहुत ज्यादा, ब्लेंड भी ये बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है, प्लस मिनरल ऑयल फ्री है एंड पैराबिन फ्री है, तो समझ ही सकते हो आप काफी अच्छा हाईलाइटर है ये। अब मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ एंड गाइज इनर पैकेजिंग इसकी काफी ज्यादा क्यूट है, आप देख सकते हो जैसे इसका NYB का ब्लश था ना बिल्कुल वैसी ही है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है इसकी जो इनर पैकेजिंग है ऊपर से इस तरीके से, एंड पीछे भी आपको वही सारी चीजें मेंशन होंगी, इसका शेड नंबर प्लस इसकी प्राइस एंड सेल्फ लाइफ वगैरह। ओके, सो ये वाला जो शेड मैंने लिया हुआ है ना ये है ग्लो गोल्ड, आप देख सकते हो काफी प्यारा गोल्ड शेड है इसका। एंड गाइस मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, सी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसे दिखाने के बाद कुछ कहने की जरूरत है, आप खुद देख सकते हो इसकी शाइन। एंड जो सेकेंड है ना स्टेरी सिल्वर, मैं आपको इसका भी शेड दिखा देती हूँ, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शेड है इसका भी, ये आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा चैंपियन गोल्ड आप बोल सकते हो इसको, पूरा ये सिल्वर नहीं है सी। एंड गाइस दोनों शेड काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्लस इसमें कोई चंकी पार्टिकल नहीं है एंड ये थोड़ा सा ना पाउडरी फॉर्म में है, लाइक आप देख सकते हो एंड आप इजिली इसको ब्लेंड करोगे ना ये ब्लेंड भी हो जाएगा, सी दिस। एंड आप देख सकते हो शाइन इसके। तो मैं आपको दोनों शेड दिखा देती हूँ, दोनों शेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप देख सकते हो सी। तो अगर आप मुझसे पूछो कि इन दोनों में से मुझे कौन सा ज्यादा पसंद आया, तो मुझे ये दोनों शेड्स काफी ज्यादा पसंद आया है एंड पहले मैंने इन दोनों को बाय किया हुआ था, मैंने सोचा दो बाय करती हूँ फिर देखती हूँ कि सबसे अच्छा रिजल्ट किसके साथ आता है या फेस पे किसकी शाइन सबसे ज्यादा अच्छी आती है। बट बोथ आर अमेजिंग, आप कोई भी ले सकते हो। बट हाँ, ये डस्की स्किन टोन वालों के लिए नहीं है, डार्क स्किन टोन वालों के लिए नहीं है, वहां पे 4 शेड इसके दो शेड या 3 शेड और थे, तो वो सारे डस्की टू डार्क स्किन टोन वालों के लिए थे, बट मुझे इन्हीं दोनों की नीड थी तो मैंने यही दोनों मंगाया हुआ है एंड मेरी स्किन टोन पे ये दोनों काफी अच्छे से चल जाता है। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो अपलोड किया हुआ था ना, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रही हूँ, तो उसमें मैंने ये वाला हाइलाइटर लगाया हुआ था, इसका भी ग्लो काफी ज्यादा अच्छा आता है एंड ये वाला मैंने अभी लगाया हुआ है, सो आप देख सकते हो। इस हाइलाइटर को अगर आप बाय करना चाहते हो ना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।